हैं क्या दोनों के साथ में यहाँ? Why not? You should. Now you aren't you nervous? Jesse Gill stage पे और गाना ना गाए ये नहीं होना चाहिए. ये तो गलत बात है. Jesse! जरूर. नी मुंडा जट्टा दा नी ओ बलिए तेरे करके गिटार सिखदा एनरिके दा हीरो सुन सुन के तेनू करना प्यार सिखदा मुंडा जट्टा दा नी ओ बलिए तेरे करके गिटार सिखदा एनरिके दा हीरो सुन सुन के तेनू करना प्यार सिखदा ओ जे मेरी खाली पैसा एक भी नहीं तेरे डैड वांगू डैड मेरा रिच भी नहीं जे मेरी खाली पैसा एक भी नहीं तेरे डैड वांगू डैड मेरा रिच भी नहीं तेनू सच दसा लेके पैसे नी मैं यारा तो उधार सिखदा मुंडा जट्टा दा नी ओ बलिए तेरे करके गिटार सिखदा मुंडा जट्टा दा नी ओ बलिए तेरे करके गिटार सिखदा थैंक यू सो मच. ऑल्सो भी हम लोगों ने आपको एकदम मस्त वाली चाइनीज मैंडेरियन बात करते हुए सुना है थोड़ा सा कुछ डायलॉग याद है तो निहाओ वो दनिंग जुशी खुशवान सिंगर ओके आई नो समथिंग इन मैंडेरियन व्हिच आई वांट टू से फॉर यू वो आई नी डू यू नो व्हाट इट मींस वो आई नहीं आई आई लव यू इट मींस आई लव यू मेरी थैंक यू लव यू टू आई थॉट शी इज टॉकिंग अबाउट जीवा जी वो आई नी Gayatri here from Midday Online. So, Hi. Since this is your debut film, so how was it shooting with everyone? And I also heard that you would sing songs to impress Sonakshi on the sets. So, please tell us about that. नहीं बहुत अच्छा था क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी तो मैं थोड़ा डरा हुआ था पहले के क्योंकि मैंने इतने बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करना था पर जब मैं सेट पे गया तो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे सारे दिन निकल गए स्पेशली क्योंकि सोना ऑलरेडी पंजाबी गाने सुनते हैं पहले से सो उस टाइम मेरा एक गाना आया था तो मैंने सोनाक्षी को सुनाया तो उन्होंने इनको अच्छा लगा तो उन्होंने प्रमोट भी किया बड़े अच्छे से सो उस टाइम मुझे पता चला कि यार ये तो पंजाबी लड़की है पूरी क्योंकि इनकी प्लेलिस्ट में मैंने बाद में गाने देखे सारे ऑलमोस्ट पंजाबी गाने ही थे सो बड़ा मज़ा आया पंजाबी सो बहुत अपनापन फील हुआ वहाँ पर मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं पंजाब से आया हूँ यहाँ पर और ये लोग सब पहली बार मेरे साथ काम करेंगे स्पेशली मुदस्सर सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में सब लोगों ने मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी पहली फिल्म आई सोनाक्षी और डायना आपसे एक सवाल है दोनों हैप्पी से एक सवाल है सिंस द मूवी इज बेस्ड ऑन एन एस्केप जहाँ पे मतलब हैप्पी भाग रही है अपनी लाइफ में रियल लाइफ में कोई ऐसा कोई एस्केप रहा है जो हिलेरियस रहा हो और जो यादगार रहा हो आई लाइक सोनाक्षी इज टू मेनी ऑफ दोस नाउ शी इज पिकिंग वन कौन सा वाला बोलो ये समझ नहीं आ रहा बट हुए हैं ट्यूशन टीचर से एस्केप कभी कभी स्कूल से एस्केप कॉलेज से कभी कभी घर से एस्केप कभी कभी अपराजी से एस्केप बहुत हुए हैं फाइनली हाउ इज इट डिफरेंट वर्किंग ऑन अ पंजाबी फिल्म एंड अ हिंदी फिल्म सेट्स पे कितना डिफरेंस होता है डिफरेंस तो है बिकॉज पंजाबी इंडस्ट्री अभी थोड़ी नई है और वहाँ पे जिसे बोलते हैं बजट बहुत लिमिटेड होता है और यहाँ का सब कुछ मैनेज होता है सब कुछ मतलब मुझे यहाँ भी लिमिटेड ही होता है पर पंजाब के इससे भी लिमिटेड होता है बोलने देना बोलने देना तो वहाँ पे अच्छा लग रहा है अच्छा अच्छा कोई तारीफ कर रहा है बोलने दे यार सो अभी मेरी पहली फिल्म है जो अभी तक मैंने फील किया ये यही किया है क्योंकि वो पंजाबी इंडस्ट्री थोड़ी नई है अभी पर वहाँ पे भी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पे भी और ज़्यादा ऐसे प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा क्योंकि थोड़ा बहुत अभी कम है वहाँ पर मैंने अभी 4-5 फिल्में की हैं पंजाबी इससे पहले तो मुझे यही डिफरेंस पता चला अभी तक पर अभी धीरे धीरे आगे करूँगा नेक्स्ट फिल्में तो जो मुझे फील होगा मैं आपको बताता जाऊंगा फ्रॉम बुक माय शो मेरा सवाल आपसे आनंद सर कि जिमी सर के साथ इस फिल्म में इंसाफ होगा कि नहीं मतलब तनु वर्स मनु से हम देखते आए हैं कभी लड़की मिली नहीं एंड टाइम पे हमेशा छोड़ के गई हैप्पी भाग जाएगी मैं वैसे तो इस बार कुछ उम्मीद है इंसाफ मिलने की यार जब उनको नहीं मिल रही है ना वो ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है करने दो ना कई बार ये भी चीज अगेंस्ट जाती है एक क्यूट आदमी ऐसा रह जाए थोड़े टाइम तक अच्छा लगता है थैंक यू सर मुझे लगा नहीं आप मेरे बारे में ऐसा कुछ बोलोगे And we saw the song from Zero and everyone's talking about that. But as a director, how was it for you to shoot, two superstars
and how was it to be on the sets with them? I was very happy there. I was really happy there. But does it get difficult to shoot two superstars and, you know, to have them in one frame? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा. मतलब आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इन दैट वे. ये एज अ डायरेक्टर नहीं जवाब दे रहा हूँ, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग बोल रहा हूँ. इफ़ यू मीट समबडी और आपको उनके बीच में या आप उनसे बात करते हो, अगर वो इंसान आपको समझ में आ जाता है, फिर वो स्टार नहीं रहता. वो एक ऐसा रिश्ता बोल दूंगा या एक ऐसा माहौल बोल दूंगा कि वो दोनों इतने बड़े हैं कि उन्होंने मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो सुपरस्टार है. तो ये उनकी उनका बड़प्पन है. सोनाक्षी और डायना, आपसे एक सवाल है, दोनों हैप्पी से एक सवाल है. सिंस द मूवी इज बेस्ड ऑन एन एस्केप जहाँ पे मतलब हैप्पी भाग रही है, अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में कोई ऐसा कोई एस्केप रहा है जो हिलेरियस रहा हो और जो यादगार रहा हो? I like Sonakshi has too many of those now. She's picking one. कौन सा वाला बोलू ये समझ नहीं आ रहा. बट हुए हैं ट्यूशन टीचर से एस्केप, कभी कभी स्कूल से एस्केप, कॉलेज से, कभी कभी घर से एस्केप, कभी कभी अपराजी से एस्केप. बहुत हुए हैं. अली एंड जस्सी, हाय, आपके ठीक सामने यहाँ. हाय, दो हैप्पी हैं स्टेज पे. अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप हैप्पी नहीं हो? मैं भी हैप्पी हूँ. हाँ, नहीं मैं तो हूँ ही. आप भी हो ना हैप्पी? हाँ जी बिल्कुल. लाइफ में हैप्पी हो ना? बिल्कुल. हाँ तो बस. मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ. अगर ये दो हैप्पी के साथ, अगर किसी एक हैप्पी के साथ में भागना हो तो किसके साथ भागना पसंद करेंगे आप? अपनी अपनी के साथ भागेंगे. एक दूसरे की लेके क्यों भागेंगे? आपने तो 3 का प्लॉट दे दिया मुझे. लवली, एक दूसरे की लेके भगा दूं 3 में? बहुत ही कलेशी आदमी यार तू. हाँ मतलब ये है कि हैप्पी अभी इधर भागी है, पार्ट 1 में भागी थी, पकड़ में आ गई, शादी हो गई, सब हो गया. इधर क्या होगा पता नहीं है. अभी चाइना तक गए, वीजा लगा है बॉस, उधर भी लगा था वैसे. हाँ तो ये ऐसा है कुछ. मुदस्सर जी बोल भाई, गा दे तू, गाना गा दे. मैंने गा दिया. जैसे जैसे